बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएलबी के हवाले से जो हम आज आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहे हैं, ये जुडिशियल रिव्यू के हवाले से है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया है, और इसके अंदर जो पूरी समरी है इस सवाल की, वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आपको याद करने में और रिवाइज़ करने में जो है वो आसानी रहे। यहाँ पर मैं आपके साथ मतलब ये चीज़ शेयर कर लूँ कि हम इसमें हेडिंग्स की और कंटेंट की जो तादाद है या मकदार है, ठीक है, वो इतनी क्वांटिटी हम उसकी इसमें आपके साथ शेयर करते हैं जो आप एग्ज़ाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकें, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल होता है एक सवाल करने के लिए। यहाँ के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोशिश ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए, और हम आपके साथ रेलेवेंट हेडिंग्स और रेलेवेंट मटेरियल जो है वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको रिप्रोड्यूस करने में जो है वो आसानी रहे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर होता है, US कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। बुनियादी तौर पर डॉक्ट्राइन कहते हैं नज़रिए को, और जुडिशियल रिव्यू से मुराद ये है कि जो अदालती नज़रसानी किसी चीज़ के ऊपर या उसका जो रिव्यू है, उसका नज़रिया जो है वो क्या है। तो अमेरिका के अंदर जो है वो इस चीज़ की बहुत अहमियत है कि यहाँ पे आप अदालत जो होती है वो किसी चीज़ को एग्जामिन कर सकती है, जायज़ा ले सकती है, यानी उसका एक जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जो कानूनी जायज़ा लेना है, ये उस नज़रिए से रिलेटेड चीज़ है। तो इसका ये मतलब है कि कोई अगर कानून ऐसा है या मुआहदा ऐसा है जिसने US के जो मौजूदा कवानीन हैं, अगर उनकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो फिर अदालत जो होती है ऐसे मामलों का एक जुडिशियल रिव्यू करती है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है अमेरिका के आइन का, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो है ये एक पावर है, और वो किसी भी कांग्रेस जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है, वो अगर उसका कोई एक्ट ऐसा है कि जो कहीं वॉयलेशन हो रही है, तो फिर जो जुडिशियल रिव्यू है उसके ऊपर हो सकता है, और फिर वो कैंसिल भी हो सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो थी इंट्रोडक्शन के हवाले से थी कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। रेलेवेंट मटेरियल जो है वो आपके सामने है। बुनियादी तौर पे ये एक मीनिंग में अगर आप हेडिंग एक जो आपने देनी है उसके अंदर जो मेंशन करना है आपने, वो ये है कि ये बुनियादी तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स होते हैं, माहदे होते हैं या कानून साजी होती है, जो नए कवानीन बनाए जाते हैं, उनका जो रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अब अगर हम अमेरिका के आईनी निज़ाम की बात करें, जो जुडिशियल रिव्यू यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें आप ये चीज़ फील करेंगे कि ये एक बहुत पावरफुल टूल है उनका, जुडिशरी का, कि वो किसी भी कांग्रेस के एक्ट को जो है वो जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 3 है इस वक्त हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि द जुडिशियल पावर शैल बी वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन इंफीरियर कोर्ट्स। तो आर्टिकल 3 जो था वो उनका ये कहता है कि वेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को तफवीज़ कर देना। तो इसका यह मतलब है कि वहाँ पर जो कानूनी ताकत या अदालती ताकत जो है, जुडिशियल पावर जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को और जो उनके इन्फीरियर कोर्ट्स होते हैं या लोअर कोर्ट्स जो होते हैं, उनको ये ताकत जो है वो आइन फराहम करता है। अब जो आर्टिकल 6 है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि तमाम ऐसे जो माहदे हैं जो US के आइन के तहत जो है वो अगर हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, वो जजेस बाउंड होते हैं कि कोई भी ऐसा मुआहदा ना हो, वो चाहे मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात के हवाले से है या मुल्क के बैरूनी मामलात के हवाले से है, कि कोई ऐसा मामला ना हो जो कि US के आइनी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो या आइन के ख़िलाफ़ हो। तो ये चीज़ें जो हैं उनके आर्टिकल में मेंशन की हुई हैं। अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ओरिजिन इसका कैसे हुआ था, यानी आगाज़ जो था,
किस तरह हुआ, तो 1803 के अंदर जो था ये पहली दफा जो था वो अदालत ने जो थी ये अपनी जो पावर्स थी जुडिशल रिव्यू की वो उन्होंने इस्तेमाल की। और इसमें बहुत एक पॉपुलर इनका एक केस लॉ है, बल्कि लीडिंग केस उसको कहते हैं, कि जिसमें मैरबरी और मेडिसन जो था ये 1803 में ये केस हुआ था। इसके मैं आपको ब्रीफ जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं कि ये किस तरह हुआ कि, तो मैरबरी जो था वो एक जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे काम कर रहा था कोलंबिया के अंदर, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो एडम थे। अब जिस वक्त आखिरी दिन था तो उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ की वो मैरबरी को जस्टिस ऑफ पीस जो था वो कोलंबिया में अपॉइंट कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि उनको कमीशन जो था वो डिलीवर नहीं किया गया, ठीक है। अब जो अगले प्रेसिडेंट आए, यानी जो एडम थे, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन जो अगले प्रेसिडेंट आए उनके एक सेक्रेटरी थे, उनका नाम मेडिसन था, और मेडिसन ने जो था वो उनको कमीशन डिलीवर करने से रिफ्यूज कर दिया। अब जो मेरबरी को अपॉइंटमेंट की थी एज अ जस्टिस ऑफ पीस वो प्रेसिडेंट एडम ने की थी, लेकिन जो नेक्स्ट और वो लास्ट उनका डे था, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो आए तो उनके जो सेक्रेटरी मेडिसिन थे उन्होंने चूंकि रिफ्यूज़ किया, तो उस सूरत में फिर जो मेडबरी थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो था वो एक रिट पिटीशन जो थी वो दाखिल की, और ये जुडिशरी एक्ट था 1798 का, उसके तहत उन्होंने एक वहाँ पे रिट पिटीशन की। अब डिसीजन ऑफ द केस जो हुआ वो ये था कि इसमें जो जस्टिस मार्शल थे के उन्होंने इस केस का जो एक, अब मैं चूंकि एक बहुत लंबा केस है लेकिन मैं चूंकि बहुत आपके LLB के स्कोप के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इट इज़ रिटन बाय जस्टिस मार्शल दैट मरबरी डेफिनेटली हैड अ राइट टू हिज कमीशन, ठीक है। तो मरबरी को उनका ये हक है कि वो उनको कमीशन जो है वो मिले, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था कि जो जुडिशरी एक्ट 1789 का था वो गैर आइनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो था कि मार्शल की ओपिनियन जो कि वहाँ पे जस्टिस थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो ये पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती कोई ऐसा ऑर्डर करने का कि वो मेरबरी को कमीशन दें, लिहाजा अब अगर सूरत ऐसी हो जाए कि वो चीज़ जो है वो जो जुडिशरी एक्ट 1789 का था वो गैर आइनी था और कोई ऐसी पावर्स भी उस हवाले से नहीं थी, तो देयर फोर सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट फोर्स जेफरसन एंड मेडिसन टू अपॉइंट मैरबरी, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट जो था वो जेफरसन और मेडिसन को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मैरबरी को अपॉइंट करें। तो ये उस केस का फैसला हुआ था। अब जो आर्गूमेंट्स थे जो जस्टिस मार्शल के आर्गूमेंट्स थे वो ब्रीफली, मतलब मैं आपको 3 पॉइंट्स में जो है वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आ जाए और आपका एक रेलिवेंट मटेरियल है इस हवाले से, जुडिशियल रिव्यू के हवाले से, कि जो वहाँ पे आइन में जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है वो उनका आइन है, और जो वहाँ पे जज हजरात हैं ये तमाम बाउंड हैं कि वो उसके मुताबिक फैसला करें। तो जब ये कहते हैं कि व्हेन कोर्ट्स आर कॉल्ड टू गिव वैल्यू टू स्टैट्यूट पास बाय द कांग्रेस इफ इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कोर्ट मस्ट गिव वैल्यू टू द लेटर स्टैट्यूट, तो लेटर का मतलब जो बाद में आने वाला होता है उसको लेटर कहते हैं, ये लेटर LETER नहीं है, ये LATER है जिसका मतलब है बाद में आने वाला। तो लिहाजा अदालतें जो होती हैं वो इस बात की पाबंद होती हैं, और चूंकि लेजिस्लेचर जो है उसमें एक उनकी जो तारीफ जो है वो एक लिमिटेड है, तो लेजिस्लेचर शुड नॉट ब्रीच देयर लिमिट्स बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, लिहाजा आइन जो चूंकि लिखा जा चुका हुआ है उसकी अपनी लिमिट्स हैं, तो फिर लेजिस्लेचर को उसकी खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। अगली हेडिंग जो सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी
अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस से मुराद है अहमियत क्या है। तो इसमें दिस पावर सुप्रीम कोर्ट और इंफीरियर कोर्ट्स प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एग्जेक्टिव पावर, यानी अब यहाँ पर इस जुडिशियल रिव्यू के जरिए जो अदालत है वो आइन का तहफ्फुज़ कर रही है ताकि कोई भी आइन को वॉयलेट ना कर सके, उसकी खिलाफ वर्जी ना कर सके, वो कोई सियासतदान है या एग्जेक्टिव पावर है या कोई ऐसा आर्बिट्रेटरी उनका कोई मन चाहा उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया, तो उससे जो आइन है वो मुतासर ना हो। तो ये सबसे बड़ी उसकी एक अहमियत है कि जुडिशल रिव्यू जो है वो यहाँ पर अपनी पावर से जो है उस चीज़ को सेफ गार्ड करता है। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो ये तमाम जितने भी वफाकी और जो उनके रियासती कवानीन हैं उन तमाम के ऊपर ये अप्लाई होता है। ये उनके आइन पे भी अप्लाई होता है और तमाम जो मुआहदे वो करते हैं, चाहे वो वफाक करे, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ की वो करे। उसके बाद ये तमाम ऐसे फैसला जात या ऑर्डर्स अहकाम जो किसी फेडरल ने या जो स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज उन्होंने कर दिए हैं, तो इसका इतलाक जो है जुडिशल रिव्यू का जो इतलाक है इन तमाम के ऊपर होता है। इसकी वजूहात अगर हम देखें कि रीज़न फॉर जुडिशल रिव्यू, ये नेक्स्ट हेडिंग है कि इससे क्या चीज़ें जो हैं वो वजूहात क्या हैं इसकी, तो एक तो ये है कि जो कांग्रेस और जो प्रेसिडेंट है उनको उनकी लिमिट्स के अंदर, जो उनकी पावर्स हैं उनको उनकी लिमिट्स में रखा जाए और फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको बढ़ाया जाए और जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको डिफेंड किया जाए और जो वहाँ पे एक शख्सी आज़ादी है और हकूक है उनका तहफ्फुज़ किया जाए। तो ये जुडिशल रिव्यू का मकसद ये है कि किसी के कोई राइट्स जो हैं वो वॉयलेट भी ना हो, प्रोटेक्टेड रहें, प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर है वो प्रोटेक्टेड रहे। इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं वो जुडिशल रिव्यू में यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें मैक कॉलम और मैरीलैंड, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ डिक्लेयर की कि जो स्टेट लॉ जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन विच टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन द सर्कुलेटिंग नोट्स ऑफ द बैंक। तो ये एक उनका मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट केस था जिसमें ऐसे नोट्स के ऊपर टैक्स का लगाना जो कि सर्कुलेशन में हो। उसके बाद 1952 में जो था वो एक और चीज़ जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुई और उसके अंदर ये हुआ कि जो उन्होंने एक स्टील मिल ऑफ द स्टेट था उसके हवाले से ये एक फैसला जो था वो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें गया कि जनाब ये चीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये उसका एक सेकेंड केस था। इसके ऊपर कुछ लोगों ने जो तनकीद की, जो क्रिटिसिज्म था, ठीक है क्रिटिसिज्म से मुराद है कि तनकीद करना, तो उन्होंने जो जुडिशल रिव्यू की कुछ तनकीद जो थी वो जो ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपने अख्तियार जो हैं वो बहुत बढ़ा ली हैं, अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है और वो इतनी पावरफुल हो गई है कि वो कानून साजी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। तो ये उसका एक वो था। दूसरा था कि वन मैन डोमिनेशन, कि इस तरह तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ होगा, हेड होगा, वो तो मतलब कोई भी चीज़ अपने फैसले से कर सकता है और उसकी डोमिनेशन होगी दूसरों के ऊपर। और फिर ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वहाँ पे उसका एक वेग टेस्ट है। वेग का मतलब होता है मुभिम होना, जो चीज़ क्लियर ना हो उसको वेग कहते हैं। तो ये एक उसमें थी कि ये चीज़ जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर सोशल प्रोग्रेस के हवाले से ये था कि ये डिले का बायस बनेगा, हर चीज़ पे जुडिशल रिव्यू होगा तो चीज़ें लेट हो जाएंगी, उनमें डिले आ जाएगा और जुडिशल रिव्यू जो है वो तो सिर्फ कानूनी चीज़ों को देखता है, इसके अलावा जो वहाँ के माशरती मामलात हैं वो भी तो होते हैं, हर चीज़ को सिर्फ कानून के उसमें तो जो है वो नहीं देखना चाहिए, इस तरह की बातें। फिर इस तरह जुडिशरी जो है उसकी डोमिनेशन हो जाएगी, वो तो हर किसी को जो है
वो इस तरह रिव्यू करेगी, अपने जुडिशियल रिव्यूज करेगी और रिजेक्शंस करेगी या कैंसिलेशंस करेगी। तो ये जो तंकीद थी ये उनके ऊपर आई। कंक्लूजन में आपने ब्रीफली ये लिख देना है कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनका, आईनी का जो एक इदारा है, और उसके अंदर ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स हैं ताकि वो जितने भी ऐसे इकदाम जो वफाकी यानी फेडरल की सतह पे या स्टेट्स की सतह पे जो होते हैं उनको वो कंट्रोल कर सके और कोई चीज़ ऐसी ना हो जो अमेरिका के आइन के ख़िलाफ़ हो। तो ये आज एक मुख्तसर वीडियो थी जिसमें आपके साथ मैंने तमाम वो रेलिवेंट हेडिंग्स और मटेरियल शेयर की है जो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने गिर्दोनुमा का और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।